हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे, जिसका नाम है वेंसी एंड आशु ब्लॉग्स और मेरा नाम है वंदना। तो आज है 3 दिसंबर और दिन है शनिवार का और ये है हमारी सुबह की पहली चाय। और उधर मैंने गैस पे एक साइड पर दूध भी रख दिया है गर्म करने के लिए। तो अब हमने चाय वगैरह पी लिया है और चाय पीने के बाद सुबह की चाय पीने के बाद ना थोड़ी सी फुर्ती आ जाती है शरीर में, ठंड के मौसम में स्पेशली। तब लगता है कि हाँ चलो काम वम कर ले। तो अभी मैंने अंदर स्वेटर पहना है और ऊपर से एक जैकेट भी पहनी हुई है, हल्का सा स्वेटशर्ट है ना वो पहना हुआ है। तो क्योंकि सुबह के टाइम और शाम के टाइम पर ना ज़्यादा ठंड लगती है, दिन में तो एक स्वेटशर्ट पहन लो उससे काम चल जा रहा है, बट सुबह शाम ज़्यादा ठंड हो रही है। और फिर यहाँ पे चाय पीने के बाद मैंने जो कपड़े थे ना वो मैंने फ्राइडे की नाइट को ही लगा दिया था, ताकि मैं ना आजकल यही कर रही हूँ कि नाइट में कपड़े लगा दे रही हूँ और सुबह में फैला देती हूँ, तो शाम तक ना ज़्यादातर जो कपड़े हैं वो सूख जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरे स्वेटशर्ट है मैंने निकाल दिया है, क्योंकि जब काम करो ना तो थोड़ी सी गर्मी ना अपने आप बन जाती है, काम करते करते एक्चुअली ठंड का पता नहीं चलता है। फिर मैंने जो मेरा स्वेटशर्ट पहना था ना वो मैंने निकाल दिया है, क्योंकि काम करते करते इतना ज़्यादा फुर्ती आ जाता है इंसान के शरीर में, अपना आप ही शरीर गर्म हो जाता है और पसीना होने लगता है। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू भी लगा दिया है और कर ली है मैंने पूरे घर की डस्टिंग, और मैंने बाकी सभी कमरों में पोछा लगा दिया है। बस ये जो लास्ट वाला रूम है टीवी वाला, बस यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। तो मेरा जो क्लीनिंग का काम है अब यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। और मैंने चोटी भी कर ली है और मैं हाथ को अच्छे से वॉश कर लिया है हैंड वॉश से, और फिर मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में ना जवे बनाने वाली हूँ, जो सेवैयाँ होती है ना नमकीन वाली सेवैयाँ, तो आज मैं ब्रेकफास्ट में वही बनाऊँगी। और तो उसके लिए ना मैंने कुछ वेजिटेबल्स काट ली है, क्योंकि विंटर्स में ना बहुत अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स आ रही है, तो जितना यूज़ खा सकते हो खा लो। तो मैं हर चीज़ में खूब अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स डाल रही हूँ। तो मैंने जवे में ना तड़का के लिए तेल डाल दिया, उसमें जीरा और हरी मिर्च और प्याज मैंने काट के डाल दिया है। और उसको अच्छे से भुनने के बाद जो मैंने सब्जियों में मैंने गोभी मटर और थोड़ी सी गाजर रखी हुई थी, 2 गाजर छोटी छोटी, तो वो मैंने काट लिया है। उसके बाद मैंने हल्दी और नमक डाल दिया है, उसको अच्छे से थोड़ी देर तक सब्जियों को ना भून लूँगी। उसके बाद मैंने ये 1 कटोरी जवे लिए हैं। अच्छा, ये मैदे वाले नहीं हैं, वो जो सूजी वाले जवे आते हैं ना ये वो उसके बने हुए हैं, क्योंकि मैदे वाले तो बहुत नुकसान करते हैं, इसलिए मैं ये वाला लेकर आई हूँ। और फिर जवे को सब्जियों के साथ भूनने के साथ उसके बाद थोड़ा सा उसमें पानी ऐड कर देंगे, और बस 5-6 मिनट में ना इसका पानी पूरा सूख जाता है, समझ लीजिए सब्जी आपकी जो नमकीन सेवैयाँ हैं वो बन के तैयार है। तो ये हमारा आज का नाश्ता। तो उधर हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, हस्बैंड को भी दे दिया है, और फिर यहाँ पे ना कपड़े रखे हुए थे तो मैंने सोचा चलो कपड़े भी फोल्ड कर लेती हूँ, फिर इसके बाद जो है अपना लंच बनाएंगे। क्योंकि ना मैंने क्लीनिंग वगैरह मैं पहले ही आजकल कर लेती हूँ, फिर जो कपड़े वगैरह रहते हैं ना और फिर मैं उसके बाद फोल्ड करती हूँ, क्योंकि ये सब काम तो बाद में भी हो सकता है लेकिन क्लीनिंग पहले कर लो ना तो ज़्यादा सही रहता है। तो यहाँ पर बस मुझे 10-12 मिनट लगा होगा और मैंने ज़्यादा कपड़े थे नहीं, मैंने फोल्ड कर लिए। और यहाँ पे मैंने मसाले लिए हैं, इसमें लिया धनिया, अजवाइन, जीरा और सौंफ। तो ये मसाले लिया मैंने, और इसमें लिया मैंने लहसुन और हरी मिर्च। तो ये आज मैं बनाने वाली हूँ बैंगन की कलौंजी, तो उसके लिए मैंने सारे मसाले लिए हैं। इनको मैं ना तवे पे थोड़ा थोड़ा भून लूँगी, जब भून जाएगा तो मैं इसको मिक्सी में पीस लूँगी। तो जो बैंगन की कलौंजी है ना उसमें ये मसाले मैं डालती हूँ, और ये बैंगन आपने देखा होगा मेरे कल के व्लॉग में, उसमें मैंने सारी सब्जियाँ जो धो के रखी थी, तो ये ना ग्रीन वाले, ग्रीन नहीं थे, पर्पल वाले, बिल्कुल लाइट पर्पल वाले बैंगन थे, बहुत अच्छे थे, सॉफ्ट से थे। तो मैं लेकर आई थी लेकिन उसमें से ना एक ख़राब निकल गया था, 8-9 बैंगन थे उसमें से एक ख़राब निकल गया था, लेकिन बाकी सारे बैंगन बहुत अच्छे थे। और फिर ये जो सारे मसाले थे ना सब पीस लिया, उसके बाद मैंने हल्दी नमक उसमें ऐड कर दिया है, बाकी कुछ भी ऐड नहीं किया। अच्छा, मेरे पास ना लाल मिर्च पाउडर जो है अब ख़त्म हो गया है, मुझे उसका भी पाउडर लेके पाउडर तो नहीं लेके आऊँगी, मिर्च लेकर आऊँगी, उसको पीस के ना मैं पाउडर बनाऊँगी। तो ये जो मसाले थे ना थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको पेस्ट बना लिया है, और अब मैं जो बैंगन है उसके अंदर की फीलिंग कर लूँगी और अच्छे से दबा दबा के रख दूँगी।
तो मैं इसी तरह से जो बैंगन का भरता है, बैंगन कलौंजी बोलते हैं, भरता तो दूसरी तरह से बनता है, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। और फिर मैंने ये ले ली है अपनी आयरन की कढ़ाई, और इसी में मैं अपना जो बैंगन का कलौंजी है इसी में बनाऊंगी। तो मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है, उसके बाद बैंगन डालने के बाद मैं थोड़ा सा ना कढ़ाई को तिरछा उरछा करके ना चारों तरफ से कर रही हूँ कि ताकि हर जगह जो ऑयल है वो पहुँच जाए सारी बैगन में। तो मैंने उधर ढक के रख दिया है कलौंजी बनने के लिए। इधर मैं साथ ही साथ चढ़ा रही हूँ दाल। तो आज लंच में ना दाल रोटी और कलौंजी, और बनेगी हमारी सेवइयाँ खीर, जो सेवइयों की खीर होती है ना आज वो बनेगी। क्योंकि जब मैंने हस्बैंड से सेवइयाँ मंगवाया था तो मैंने तो नमकीन वाले के लिए मंगवाया था, लेकिन आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि उनको मीठा इतना पसंद है कि बस उन्होंने जैसे देखे कि सेवइयाँ हैं घर में, बोला कि नहीं मुझे तो खीर खानी है। मैंने कहा चलो भाई बना देंगे। और फिर यहाँ पे जो बैंगन है देखिए बन गया थे एक साइड से, तो मैंने पलट दिया है। आप पलट के मैं दूसरी साइड से भी पका लूँगी। और देखिए अब दूसरी साइड से भी बैंगन है ना बहुत अच्छे से पक चुका है, और मैं इसको तुरंत ट्रांसफ़र कर लूँगी दूसरे बर्तन में। और इसका जो मसाला है ना जो थोड़ा थोड़ा कढ़ाई में गिर जाता है, तो मैंने उसको भी निकाल लिया है, और हमारी जो बैगन की कलौंजी है बनके एकदम रेडी है। और हमारा जो दाल थी वो भी बन चुका है। अब मैं बनाने जा रही हूँ सेवैयाँ के खीर, तो उसके लिए मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून घी। अच्छा ना मुझसे घी थोड़ा ज़्यादा पड़ गया, क्योंकि इतना घी डालने की ज़रूरत नहीं थी। मैं थोड़ा सा कम भी डालती तो चलता, लेकिन मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था और मैंने ना ज़्यादा घी डाल दिया। और फिर मैंने उसमें 1 कटोरी सेवइयाँ डाल के उसको अच्छे से घी के साथ अच्छे से भून लिया है, कम से कम 5-6 मिनट तक उसको मैंने भून लिया है। उसके बाद ये जो दूध है फिर उसमें हम डाल देंगे दूध, बस मैंने दूध ही डाला है इसमें, और पानी वगैरह मैंने कुछ भी मिक्स नहीं किया है, क्योंकि गाय का दूध लेती हूँ ना मैं, तो वैसे ही पतला ही रहता है, उसमें पानी बहुत ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फिर उसके बाद मैंने उसमें डाल दिया है चीनी, और उसको चीनी के साथ थोड़ी देर तक पकाएंगे, 5-10 मिनट तक धीमी धीमी आंच पे पकेगा, और जो सेवइयाँ हैं वो बन के रेडी हो जाएंगी। इधर जो रोटी थी आटा मैंने पहले से गूंथ लिया था, जो रोटी है अब हमारी रोटी भी बन रही है। और जो खीर था ना मैंने इसको कढ़ाई से ना उसी भगोने में वापस से रख लिया जिसमें दूध था, तो मैंने ना उसको उधर डाइनिंग टेबल के पास ले जाके रख दिया है। और इधर मैं कर लेती हूँ किचन क्लीन। तो जो आज का मेरा जो लंच है ये बन चुका है। तो मैंने आज आपके साथ शेयर किया अपना मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन। आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलती हूँ कल एक न्यू वीडियो।